बड़े हर्ष का विषय है, कांग्रेस परिवार के लिए खुशी की बात है कि बालाघाट की दबंग नेत्री पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय भाभी अनुभव मुंजारे जी ने कल हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी कमलनाथ जी के सम्मुख भोपाल में उन्होंने कांग्रेस में सदस्यता ली है। निश्चित तौर पर इनकी सदस्यता लेने से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है और कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में एक चीज थी, जिस प्रकार से लोगों के भाव था कि अनुभव मुंजारे जी अगर कांग्रेस ज्वाइन करती हैं तो निश्चित तौर पर बालाघाट विधानसभा हम फतह कर लेंगे। तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है, उस उत्साह को लेकर कल बालाघाट में अनुभव मुंजारे जी का आगमन होने जा रहा है। तो कल लगभग वो 3 बजे के आसपास कंजई लालबर्रा पहुंचेंगी, तो कंजई लालबर्रा से उनका स्वागत सम्मान करते हुए एक रैली के माध्यम से वहां से निकलेगी, जो लगभग 6 बजे के आसपास बालाघाट शहर में उनका एंट्री होगी। तो बालाघाट शहर में जैसे ही 6 बजे एंट्री होगी तो सबसे पहले बालाघाट में जितनी भी हमारी प्रतिमा लगी हुई है महापुरुषों की, उनको चरण वंदन करते हुए उनको माल्यार्पण करने के पश्चात एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जो हनुमान चौक से होते हुए पूरा कालीपुतली चौक तक पैदल करेंगे और उसके बाद एक सभी को संबोधित करने के लिए जिन लोगों ने उनको दिल से चाहा कि भाई कांग्रेस में अनुभव मुंजारे जी का एंट्री होनी चाहिए, उन सबको वो संबोधित करेंगी, आभार व्यक्त करेंगी। नहीं, देखिए नाराजगी का तो सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है और अभी टिकट की तो कोई बात ही नहीं हुई है, कैसे ऐसा कि भाई टिकट किसको मिलेगी क्या मिलेगी। बावजूद अगर किसी को नाराजगी है तो उनसे बात की जाएगी और अगर ऐसा कुछ होता है और टिकट वाली स्थिति बनती है और जो टिकट के दावेदार पहले भी थे वो आज भी बने हुए हैं, निश्चित तौर पर उनको काम करना है और कमलनाथ जी सर्वे के आधार पर उनको टिकट बटेगी। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर कोई कमलनाथ जी के फरमान को चैलेंज करेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी है, हम लोग निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे और निष्कासन की कार्रवाई करेंगे।